राजधानी पटना दुनिया का सबसे पुराने शहर में से एक है जो अब भी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि कभी देश के बड़ी बड़ी साम्राज्य की राजधानी पटना हुआ करती थी और यह पटना कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ पुराने पटना यानी कि पटना सिटी के नीचे ही 2500 साल पुराना गौरवशाली पाटलिपुत्र नगर होने की संभावना जताई गई है। अब राज्य सरकार ने इतिहास के इन पन्नों से मिट्टी हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल राजधानी पटना के करीब आधा दर्जन से अधिक जगह पर खुदाई की जाएगी। पहले चरण पर इन जगहों की जीटीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे कराई गई हैं और इसके रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में अगर सकारात्मक संकेत आते हैं तो खुदाई का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि राजधानी पटना के जिन आधा दर्जन इलाकों में खुदाई की जा सकती है उसमें पटना सिटी के अंतर्गत भद्रघाट, महावीर घाट, गुलजारबाग, राजकीय मुद्रणालय का खेल मैदान, बेगम की हवेली, BAR प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रशासनिक भवन एवं मैदान, सैफ खान का मदरसा, मंसूर मज़ार तथा मेहंदी मज़ार क्षेत्र पर GPR सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे के काम पूरा होने के बाद अगस्त तक कलात्मक रिपोर्ट आती है और तो यहां पर खुदाई की जा सकती है। उधर आपको यह भी बता दूं कि पटना सिटी के साथ साथ राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग स्थित पटना संग्रहालय परिसर में अभी पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज शुरू हुई है। वहीं अभी खुदाई के दौरान कई अवशेष भी मिले हैं और कई बहुमूल्य चीज भी संग्रहालय परिसर में पिछले दिनों प्राचीन मृद भांड एवं अन्य अवशेष प्राप्त हुए थे। तो राजधानी पटना में अब ऐतिहासिक चीज़ और दिखने वाली है। लोगों को, राजधानी वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अब कह सकते हैं कि एक बड़ी बड़ी साम्राज्य राजधानी पटना में पहले हुआ करती थी, अब और फिर से वही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अब बने रहे दंजर टॉप के साथ। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारे Facebook इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। धन्यवाद।